आज बन रहा है जी आलू भुजिया के सालन, क्योंकि हम आज दावत पे जाएंगे तो हमने कहा चलो दोपहर को जो है ना हम बस हल्का फुल्का बना के खा लेते, नाश्ता वगैरह कर चुके, करने के बाद काम निपटा रहे, उसके बाद जो है ना आलू की भुजिया बना रहे, चावल बन चुका है, उसके बाद कपड़े वगैरह कौन से पहनने हैं नहीं पहनने हैं वो आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अभी मैं जो धोने जा रही हूँ कपड़े, उसके बाद मिलते हैं जी। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप हेयर कट वगैरह करवा लिए? हेयर कट के साथ आपने वो माशाल्लाह, आपने शादी में जाने की फुल तैयारी की, कटिंग भी की, कटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, जवानी की बहारें लौट आई हैं। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, बुढ़ापे में जवानी की बहारें लौट आई। नाश्ता किया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया नाश्ते में? क्या किया? दो पराठे, अंडा। एक अंडा। आज अकेले अकेला, आज हमने भी यहाँ घर में अकेले नाश्ता किया। आप तो कटिंग करवाने चले गए वहीं से, जॉब से। चलो अच्छे लग रहे हो। सर्दी लग रही? नहीं अभी लगेगी, नहाऊंगा तो। चलो ठीक है, आप नहा लो, सो जाओ, रात को फिर दावत पे भी जाना है। लेकिन नहीं मेरे मियाँ साहब तो गेम खेलना, जब तक 2-2.5 घंटे गेम नहीं खेलेंगे उनको कहाँ से सुकून आएगा? सुकून ही नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से बच्चे कंप्यूटर में लगे हुए, सॉरी लैपटॉप में लगे हुए, यहाँ मियाँ साहब जो है ना मोबाइल में लगे हुए। ये दे, एक आ गया मेरा शहजादा जी। जी क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे खींच रहा है, क्या हुआ? ज़रूर कुछ हुआ इसलिए मुझे खींच के लेके जा रहा। आ जाओ, कहाँ आ जाओ, उधर उधर क्यों, कहाँ पे? इसका पसंदीदा शो नहीं लगा रहे होंगे क्या? हाँ हलवा खाना है तो अभी तो हलवा का टाइम चला गया, अभी क्या करना है? हाँ दी इसके पसंदीदा लगा दो, ये क्या देखना चाह रहा है? माशा दी बियर लगा हुआ है राफे, तो फिर क्यों वो कर रहे हो? हाँ खींच के लेके आए कह रहे मेरे, क्योंकि हादी जो है ना हादी हटा देता है, तो इसलिए मुझे खींच के लेके आए कि ना मेरे फेवरेट चैनल लगाने बोलो। अस्सलामुअलैकुम, आज हम दावत पे जाने वाले हैं तो ये इसके लिए जो मैंने आज सूट सेलेक्ट किया है तो इसके लिए ये सूट है, ये मैं आज पहनूंगी। ये मैक्सी है, ये मेरा फेवरेट कलर है, ये लाइन देखे इसकी, यहाँ से लेके वहाँ तक है ना, अच्छा लग रहा है। नेट में बना हुआ ये आज हम पहनेंगे, ये देखें नेट में, साटन के कपड़े अंदर हैं ठीक है, और ये नेट में बना है, ये एक ही दफ़ा पहना हुआ है मैंने, अभी तक इसे पहना नहीं, भांजे की शादी में बनवाई थी तो उसके बाद जो है ना दोबारा नहीं पहना इसे, गोल गला है, मैं उमूमन गोली गले पहनती हूँ। बहुत अच्छा सूट है, ट्राउज़र कुछ इस टाइप का है, ट्राउज़र कुछ इस टाइप का है। मैंने चूड़ीदार पजामा बनाने को कहा था मैक्सी के साथ, उन्होंने ऐसे बना दिया। खैर अब फिर मैंने इसे सही नहीं करवाया, इसलिए कि जो है ना ये मैक्सी जो है ना मेरे पैरों के नीचे तक आ रही है, नज़र नहीं आएगी, चूड़ीदार पजामा भी नज़र नहीं आता, तो मैंने कहा चलो गुजारा हो जाएगा। काम करवाया था ये रे, ये देखें दुपट्टों में मैंने कुछ इस तरह काम करवाया था, ये देखें, ये पीकू की शॉप में हो जाती है, बहुत अच्छी, उस वक्त तो बहुत महंगी करवाई थी, अब तो और ज़्यादा महंगी हो गई है, कुछ इस तरह का लगता है। ये जिया पहने की ओपन शर्ट है गोल्डन में, ये भी नेट का है, ये देखिए अच्छा, ये शर्ट की शर्ट पीस मैं अपने लिए लाई थी लेकिन इन लोगों को पसंद आ गया, इन लोगों ने बना लिया, ऊपर से लेके इसकी लेंथ देखिए कितनी अच्छी आई, एयरलाइन ओपन शर्ट है, ये भी मैक्सी की तरह बहुत घेर है, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े ला के दी थी, ये देखिए ना अच्छा नफासत से सिया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखिए बहुत ही अच्छा, ये नीचे यूं बना हुआ बॉर्डर बना हुआ इसका, नीचे से हमें कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना बेल वगैरह ना कुछ, सिर्फ ये मैंने से ये करवाई है बस, ये पाइपिंग लगवाई थी ये गोल्डन, बस ये पाइपिंग से ये और बॉर्डर बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसके साथ रेड कॉम्बिनेशन दोनों बहुत अच्छा लगता है, बन करके मैं बोल रही हूँ। ये इसके साथ ये दुपट्टा है,
ये देख दुपट्टे में ये काम करवाया था हमने, बहुत अच्छा काम करवाया हुआ था, इसमें भी काम हुआ हुआ है। ये ट्राउज़र है इसकी, चूड़ीदार ट्राउज़र है। और ये है इसकी शमीज़, गोल्डन शमीज़ जवेरिया पहनेगी। और इसकी बहुत अच्छी है कि ये देखिए ये बॉर्डर बहुत ज़बरदस्त बना हुआ, बेल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं मुझे लगाने की पड़ी। ये सबीना पहनेगी, ये भी ओपन शर्ट है, इसी भी की सेम यही है ओपन शर्ट, एयरलाइन ओपन शर्ट, इसमें भी बटने लगी हुई हैं। ये पाइपिंग लगा ली है गोल्डन कलर की, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए घेर देखे इसके, कितनी अच्छी घेर है ये ओपन शर्ट, बहुत ज़बरदस्त ही है ये भी सूट। इसके साथ भी ये चूड़ीदार है। अभी ये इस्त्री होने के लिए हमने कपड़े निकाले, कपड़ा अभी इस्त्री करेंगे, करके रख देते ताकि शाम के लिए मुश्किल ना हो। ये मेरे हस्बैंड का सूट है, मैंने कहा ब्लैक सूट है ये पहन लो, इसके साथ है ना ये धोती शलवार है, धोती शलवार मैंने बनवा के दिया था, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे धोती शलवारें पहनेंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी। और ये शाज़िब का सूट है, इनका भी धोती शलवार है ये शाज़िब, ये जो है ना ये अब्दुल हादी का ये सूट है, ये राफे का सूट है, ये अभी तक मैंने पहना ही नहीं, ये मैं लेके आई हूँ अभी तक पहना है नहीं, आई फर्स्ट टाइम पहनेगा, ये बिल्कुल नया जोड़ा है, ये अभी तक मैंने पहना ही नहीं, नया लाई थी पहनाने का, वो कुछ शादी की इवेंट कोई ऐसे फंक्शन कुछ आया नहीं था तब तक, तो ये इसकी पैंट है, मैंने कहा चलो अभी सर्दियाँ भी हैं और इसके साथ ये कैप भी है, तो मैंने कहा सर्दियों में चल जाएगा मेरे बच्चे का। और हादी का, ये अब्दुल हादी का, ये देखिए अंदर ये है, ठीक है इसके अंदर भी, इसके अंदर ये है और ये जो है ना ये दोनों के, दोनों के। और इसके साथ ये मैंने पैंट, पैंट मैचिंग की थी तो अच्छा हो जाएगा, ब्लैक के साथ शाज़िब और राणा साहब जो है ना ब्लैक पहन रहे हैं, तो ये दोनों जो है ना ये भी ब्लैक के साथ, ब्लैक एंड वाइट बहुत अच्छा हो जाएगा इन लोग का।